हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है अनुज और आ चुका हूँ मैं एक और न्यू वीडियो लेकर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, तो उसका रीज़न मैं बताऊंगा वीडियो की लास्ट में, तो वीडियो की एंड तक बने रहिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि पिछली वाले वीडियो में हमने बनाए थे अपने बेसिक से टूल्स और फाइंड किया था इस विलेज को, जिसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन थोड़ा सा फूड मिल गया था। और इस वाले घर में मैंने अपना बेड लग के मैंने अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया था। तो आज का मेरा गोल होने वाला है कि मैं अपना आयरन का पूरा सेट बनाऊँ और अपना आयरन का पूरा आर्मर बनाऊँ। तो सबसे पहले मैंने बनाई एक चेस्ट और मेरा सारा का सामान उस चेस्ट के अंदर रख दिया। और मेरे पास जो दो फर्नेस थी उसको भी अंदर रख के मैं सीधा बाहर निकल गया। और बाहर की तरफ मुझे एक लिखा आयरन गोलम। तो पहले तो मेरे मन में कुछ लालच जागी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसी को रहने देते हैं, क्योंकि बाद में विलेजर्स को बचाने के लिए यही काम में लगेगा। फिर मैं थोड़ा सा आगे की तरफ जा ही रहा था, तभी मुझे दिखा विलेज का दूसरा हिस्सा जिसको मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया था। तो उसके अंदर एक चेस्ट दिखी जिसमें से मुझे ब्रेड और कुछ अननोन मैप्स मिल गए। फिर मैंने उस मैप्स को खोल के देखा। तो उस वो मैप्स था जो वो इस विलेज का ही था। फिर मैंने ब्लैक स्मिथ का घर देखा, उसके अंदर भी एक चेस्ट थी। मुझे लगा उसमें से डायमंड मिलेगा, लेकिन उसमें से तो मुझे कूड़ा मिल गया। तो उस चीज़ को मैंने पहन लिया, फिर बाहर गया। तभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि पीछे से मेरे तरफ हमला हो गया। तो मैंने उस जोम्बी को पहले तो मारने की कोशिश की, लेकिन उसने ऑलमोस्ट मुझे मार ही डाला था। तो जल्दी जल्दी में मैंने उसको मार डाला और फटाफट से भागते हुए निकल गया अपने घर की तरफ। घर में जाके मैं सीधा का सीधा बेड पर जाके सो गया। फिर बाहर निकल के मैंने उस विलेजर के ट्रेड को देखा। तो ट्रेड में वो मुझे 20 सीड के बदले एक एमराल्ड ले रहा था। तो वहीं पर मुझे सीड दिख रही, तो मैंने उसे तोड़कर उससे एमराल्ड खरीद लिए। फिर मैंने देखा कि वहाँ पर पम्पकिन से भी वो सेल कर रहा है और मुझे पम्पकिन भी दिख गए, तो मैंने पम्पकिन को भी तोड़ लिया। सारे पम्पकिन तोड़कर उसको भी मैंने सेल कर लिया और एक और एमराल्ड ले लिया। फिर मेरे पास हो गए थे टोटल 3 एमराल्ड। और मैं सीधा घर के अंदर जाके उस एमराल्ड को रख दिया अपने चेस्ट के अंदर। फिर मैं आयरन की खोज के लिए मैं सीधा नीचे की तरफ डिग कर लिया। थोड़ी देर बाद मुझे आयरन भी मिल गया, तो उस आयरन को मैंने डिग कर लिया। मैंने आसपास थोड़ा सा और भी डिग किया। थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा सा और भी आयरन मिल गया, उसको भी मैंने माइन कर लिया। थोड़ी देर बाद मेरे पिकेक्स टूट गए और मैं साथ में टॉर्च भी नहीं लाया था, इसलिए मैं सीधा ऊपर की तरफ चला गया। तो मैं जल्दी से ऊपर आ गया और ऊपर आके मैं सीधा चला गया अपने घर के अंदर। और घर के अंदर जाके मैंने सीधा पहले बंद फर्नेस में अपने आयरन को स्मेल्ट करने रख दिया। फिर मैंने एक पिकेक्स भी बना ली और गांव से थोड़ी सी टॉर्च चोरी कर ली। फिर मैं चला गया अंदर केव के अंदर और मुझे एक केव भी दिखी, तो मैं उसके अंदर चला गया। मैंने एक टॉर्च रख दी ताकि मुझे साफ साफ सब कुछ दिखाई दे सके। मैं उस केव के अंदर गया तो मुझे सामने की तरफ ही एक चेस्ट दिख गई, लेकिन मैंने आसपास पहले देख लिया कि कोई जोम्बी या कोई और क्रीपर या कोई और तो है नहीं। फिर मैं सीधा उस चेस्ट के पास चला गया और उस चेस्ट में से मुझे लिटरली एक गोल्डन एप्पल और एक डायमंड मिल गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसमें से मैंने रेल्स भी उठा ली और थोड़ी सी ब्लूबेरीज भी उठा ली और मैंने उस केव को एक्सप्लोर करना चालू किया। मैंने वहाँ से कुछ कोल्स को भी माइन कर लिया और कुछ आयरन को भी माइन कर लिया।
मुझे कुछ और भी आयरन मिल गए तो मैंने उनको भी माइन कर लिया। फिर मैं वापस जा ही रहा था कि मुझे थोड़े से और आयरन दिख गए तो मैंने उसे भी उठा लिया। फिर मैं सीधा ऊपर की तरफ जाने लगा, लेकिन पता नहीं मैं चढ़ ही नहीं पा रहा था। मुझे लगा कोई भूत रोक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने फिर भी ट्राई किया और मैं आखिरकार ऊपर चला ही गया। फिर मैं ब्लॉक लगा के फिर ज़्यादा ऊपर चला गया। तो मैंने ब्लॉक उठाया और चला गया ऊपर की तरफ। तो थोड़ी देर बाद ही मैं ऊपर की तरफ आ ही रहा था कि जैसे ही मैं ऊपर आया तो मेरी तरफ ज़ॉम्बीज़ का हमला हो गया। तो मैं फटाफट से हड़बड़ी में दौड़ उठा और वहाँ से दूर चला गया। थोड़ी देर बाद सवेरा हो गया और ज़ॉम्बीज सारे जल के मर गए, लेकिन एक क्रीपर नहीं मरा था। तो मैं उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो तो फट ही गया और मेरी सारी ज़मीन ही ख़राब कर दी। मैंने ज़मीन को ठीक किया और चला गया घर के अंदर। तो मैंने मिला हुआ सामान सारा चेस्ट में रख दिया और आयरन को भी मैंने फर्नेस में स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। और स्मेल्ट हुए आयरन से मैंने आयरन की लेगिंग बनाई, फिर आयरन का हेलमेट बनाया और इसको पहन लिया। फिर और आयरन से मैंने एक चेस्ट प्लेट भी बनानी और उसको भी मैंने पहन लिया। और लेदर की चेस्ट प्लेट को मैंने रख दिया चेस्ट के अंदर। फिर मैंने आयरन से अपने बूट्स भी बना लिए और उनको भी पहन लिया। ऐसे मेरा पूरा का पूरा आर्मर तैयार हो चुका था। और बाकी बचे 3 आयरन से मैंने बना लिए क्वार्टर बकेट, जो कि मुझे बहुत काम में आने वाली थी। तो आज का मेरा गोल यहीं पर ख़त्म होता है। और होप करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, तो उसकी एक छोटी सी हिंट आपको दे देता हूँ कि मैं क्यों इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था। तो उसकी अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं आपको छोटी सी हिंट दे देता हूँ। वो हिंट ये है कि मैं अभी 12th साइंस में पढ़ाई करता हूँ। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन अगर नहीं समझे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और ये भी बताएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।